नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं चेक बुक के बारे में। दोस्तों, काफी लोग चेक बुक को लेकर तरह तरह के सवाल सोचते हैं। और दोस्तों, जब भी अकाउंट आप ओपन करवाते हो बैंक में, तो आपको चेक बुक, पासबुक और एटीएम कार्ड मिलता है। बट दोस्तों, आप लोग चेक बुक को लेकर कुछ चीजें आपके दिमाग में रहती है और कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं पता। दोस्तों, अगर आपका जो चेक बुक है, अगर दोस्तों आपके काम में नहीं है, अगर दोस्तों आप चेक बुक को फाड़ देते हो, या दोस्तों आप उसे कागज तरह इस्तेमाल करते हो, या दोस्तों आप उसे फेंक देते हो, या दोस्तों खो जाता है, तो आपको ऐसी कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे दोस्तों आपको फाइन चार्ज लगे और बैंक आरबीआई को रिपोर्ट ना करे। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चेक बुक एक प्रकार का आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आप इस बातों को पहले नोट करना। तो चेक बुक, अगर मान लो आपने किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है और दोस्तों अगर आपको चेक बुक अगर बैंक ने दिया है, दोस्तों अगर मान लो आपका चेक बुक अगर खो जाता है दोस्तों, और आपने अगर चेक बुक को स्टॉप नहीं करवाया, या दोस्तों कोई अगर पा गया दोस्तों, या दोस्तों अगर मान लो कोई गलत सिग्नेचर करके अगर मान लो बैंक में चेक बुक को बार बार जमा करता है दोस्तों, तो गलत सिग्नेचर करने के जुर्म में दोस्तों आपके ऊपर दोस्तों फाइन चार्ज आपके बैंक से दोस्तों कट सकता है। दोस्तों ये पहली गलती है। दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो चेक बुक ले तो लेते हैं, बट दोस्तों चेक बुक को जो है यूज नहीं कर पाते हैं और चेक बुक को दोस्तों ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आपके पास चेक बुक है और अगर आप ये सोचते हो कि चेक बुक मैं कभी इस्तेमाल ना करूं, चेक बुक मेरे किसी काम का नहीं दोस्तों, तो आपको चेक बुक के ऊपर फाइन लग सकता है, क्योंकि चेक बुक का चार्ज कटता है। आपको पता है कि अलग अलग अगर बैंक के जो टाइप अकाउंट होते हैं, अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो चेक बुक तो नहीं मिलता है, बट कुछ बैंक के चेक बुक देती भी है। कोटक महिंद्रा बैंक है, ये बैंक देती है। एसबीआई जीरो बैलेंस में नहीं देती है और बैंक शायद प्रोवाइड करती है। बट अगर आपका मेंटेन वाला अकाउंट है दोस्तों, तो आपको उसमें चेक बुक मिलता है, बट उसमें क्या है कि चार्जेस आपके कुछ बैंकों में नहीं लगती है, कि बैंक पहले ही चार्जेस वसूल कर लेती है आपका जो मेंटेन करना जो बैलेंस रहता है उसी के जो है पैसे के इंटरेस्ट से। बट दोस्तों अगर मान लो कभी आपने चेक बुक फाड़ दिया और अगर आप बैंक में चले गए दोस्तों और आप वहां पे जाके बताए कि चेक बुक फट गया या चेक बुक के चूहे ने काट दिया, चेक बुक खो गया, तो उस हाल में बैंक आपको बोलेगा कि आप चेक को पहले बैंक में जमा करवाइए। अगर दोस्तों आप बैंक में चेक बुक को जमा नहीं करवाएंगे तो बैंक आपके ऊपर जो है चार्जेस लगा सकता है। अगर आप न्यू चेक अप्लाई करोगे तो बैंक न्यू चेक के जुर्म में आपसे फाइन चार्ज लेगा, और आपको अगर न्यू चेक इशू करता है तो आपको न्यू चेक लेना पड़ेगा और उसमें आपको जो है चार्ज भी देना पड़ेगा। दोस्तों मान लो अगर बैंक का अगर माइंड चेंज हुआ, अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी, तो बैंक जो है आरबीआई को रिपोर्ट कर सकता है और आपके अकाउंट उसे होल्ड भी कर सकते हो। आपके पता है दोस्तों कि अगर कोई भी बैंक हो दोस्तों, अगर आप उसके चेक को फाड़ते हो या उसका गलत इस्तेमाल करते हो, तो बैंक आपके खिलाफ रिपोर्ट भी कर सकते हो। आपको ये बातों का ध्यान देना है। तो चेक बुक कभी आपको नहीं दोस्तों फाड़ना है। चेक एक प्रकार का आपका लीगल चीजें है, उसे आप संभाल के रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों कोई भी बैंक का कर्मचारी हो या कंपनी कर्मचारी हो, अगर वो आपसे बोलता है, आपने लोन करवा लिया है, अगर मान लो कंपनी कोई कर्मचारी आ गया आपसे बोला कि चलो भाई आप मेरा लोन 10 दिन बाद दो, 15 दिन बाद दो, 20 दिन बाद दो, मेरे मुझे कोई चेक बुक दे दो और आप मुझे लोन 2 महीने बाद भी देना। दोस्तों अगर आप उसको चेक बुक देते हो, अगर दोस्तों आपने सिग्नेचर कर दिया चेक पे, और वो क्या करेंगे, वो कंपनी चाहेगी दोस्तों अगर उसका अमाउंट पेंडिंग है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, चेक से दोस्तों आपका जो ईसीएस है उसको जनरेट करके आपके बैंक में हिट करेगा और आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं रहेगा, अगर उसका माइंड चेंज हुआ, तो आप खिलाफ केस भी कर सकता है। दोस्तों चेक बुक से बहुत सारे फायदे हैं और उसमें नुकसान भी है। अगर आप उसे संभाल के रखते हो तो बहुत फायदे हैं, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। दोस्तों मैं भी एक गलती किया दोस्तों, क्या है कि मेरे पास एक प्राइम बैंक अकाउंट था दोस्तों, जो कि मैं एक हमारे पर्सन है, उनका मैं नाम जो है नहीं आपको लेना चाहूंगा दोस्तों। वो क्या है दोस्तों कि अपना जो पैसा दोस्तों बचाने के लिए, वो बिजनेसमैन दोस्तों कि अगर मैं अपने अकाउंट से पैसा अगर अधिक निकालूंगा, कैश निकालूंगा, तो मुझे जो है जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी बचाने के लिए वो दोस्तों लोगों के अकाउंट में पैसा दोस्तों डाल देते थे और उसके चेकबुक से वो पैसे उसके अकाउंट से निकालते थे, उसका चेकबुक मांग के दोस्तों।
और इससे क्या है कि वो अगर मान लो वो सेम टू सेम बैंक में अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो शायद उनको उतना चार्जेस ना लगे, बट अदर अदर बैंकों में शायद चार्ज लगते हैं, अदर बैंक टू अदर बैंक, बट सेम बैंक टू सेम बैंक शायद चार्जेस कम लगते हैं। तो ये दोस्तों इस्तेमाल करते थे, बट दोस्तों मैंने गुस्से में सारे चेक फाड़ दिए और उसमें बैंक में गया पैसा निकालने के लिए। बैंक बोला चेक लाओ, उसके थ्रू आपको पैसा मिलेगा। मैंने बोला मेरे पास चेक नहीं है, मैंने चेक फाड़ दिया। बैंक बोला आपको फाइन चार्ज लगेगा। दोस्तों मैंने 500 रुपए फाइन चार्ज लगे, प्लस मेरा पेमेंट होल्ड गया। मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया, तब जाके मेरा पेमेंट को जो है फिर से अनहोल्ड किया गया और मेरा पेमेंट मुझे मिला। दोस्तों मैं बताऊँ, आप कभी एक गलती मत करना। तो कभी आप दोस्तों चेक को मत फाड़ना, कि चेक कभी आप अगर गलती करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो शायद मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताया हूँ, समझाया हूँ, आप इसको सदा याद रखना और उसको नोट करना दोस्तों, और कभी आप ये सब गलतियां नहीं करना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताना। बट दोस्तों ध्यान देना, कभी दोस्तों आप जो है लोन करना सो चेक आप ध्यान से देना दोस्तों, उसका नंबर जरूर नोट करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।